अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज़ ओसामा ऑन रोड। अच्छा, मेरा वीडियो ये बनाने का मकसद ये है कि मैं आप लोगों को दिखा दूं कि मेरा क्या सेटअप है, वीडियोस में कैसे रिकॉर्ड कर रहा होता हूं, क्या एक्सेसरीज, कौन सा कैमरा यूज़ करता हूं और उसको किस तरह से अटैच किया हुआ होता है मैंने अपने साथ। तो बेसिकली ये उसकी सारी डिटेल्स आपको इसमें मिल जाएंगी। अच्छा, सबसे पहले तो मैं ये आपको बता दूं, ये पूरी मैंने किट ख़रीदी थी, इसमें सारे ये टूल्स आपको जो दिख रहे हैं ये उसमें थे। अच्छा, ख़रीदी मैंने कहाँ से थी, ये मैंने ख़रीदी थी क्राउन मोटर स्पोर्ट्स, ठीक है। ये उनका कार्ड है, वहाँ पे जो उनके डील कर रहे थे चीज़ों को, ये उनकी उसमें सारी डिटेल्स मौजूद हैं। अच्छा, तो ये सारा कुछ पूरा एक किट आती है कि 20,000 की थी द लास्ट टाइम आई परचेज फ्रॉम देम, मोटो व्लॉगिंग किट के नाम से उनके पास है, बस उनको बोलिएगा तो वो ये आपको प्रोवाइड कर देंगे। अच्छा, इसमें एक एसडी कार्ड भी था 32 GB का, वो मैंने कैमरे से निकाल के लगाया हुआ है। अच्छा, सबसे पहले कैमरे को दिखा देते हैं। तो ये कैमरा है, सही है, ऑफ ब्रांड है, कोई नाम नहीं है इसका, इट्स नॉट अ GoPro, इसकी क्वालिटी भी GoPro जैसी नहीं है, सही है, आपके सामने है इसकी जो भी क्वालिटी है वो सारी आपके सामने दिख रही है। अच्छा, सही है, ये इसके ऊपर आपको थोड़ा सा ये निशान नज़र आ रहा होगा, जी मैंने परचेज़ किया था उस वक्त से ही ऐसा है, तो क्वालिटी के ऊपर मत जाइएगा। अच्छा, फर्दर इसके अंदर देखते हैं क्या क्या है। ये नीचे इसके अंदर लैच है, ठीक है, ये बैटरी इससे बाहर निकल आएगी, सही है, इसको आप इस तरह से निकाल सकते हैं, सही है, बैटरी आपके सामने है। ये तकरीबन 2.5 से 3 घंटे जो है बैकअप देती है। अच्छा, ठीक है, साइड पे आपको इसके USB-C की आपको वो दिख रही है, स्लॉट दिख रही होगी, और नॉर्मल जो है USB पोर्ट जो है वो भी आपको दिख रही है, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले कैमरे को फिर हम ऑन करके देखते हैं क्या फीचर्स हैं इसमें, सही है, ये इसका पावर बटन है सामने, ये मैंने होल्ड करके रखा 3 सेकंड तो ये ऑन हो गया, सही है, ये इसका डिस्प्ले है, डिस्प्ले कोई ख़ास नहीं है बिल्कुल, आपके सामने है इसकी हालत, टच इसका कोई इतना रिस्पॉन्सिव नहीं है। अच्छा, इसमें फ़ीचर्स क्या क्या हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले ये ऊपर टॉप पे जो टॉप लेफ्ट पे आपको बटन दिख रहा है, आपने इसको प्रेस किया तो ये डिफरेंट मोड्स आपको शो कर देगा, वीडियो रिकॉर्डिंग, टाइम लैप्स, स्लो मोशन, वाईफाई। अच्छा, वाईफाई के ऊपर मैं बाद में आऊँगा ये क्या है। अच्छा, फ़ोटो और प्लेबैक, तो जो भी आप वीडियो रिकॉर्ड करेंगे वो प्लेबैक आप यहाँ से क्लिक करके इसको देख भी सकते हैं। अच्छा, वापस मेन्यू में जाने के लिए आप ऊपर वाला ये जो टॉप पे जो बटन है, दिस इज़ द बटन दैट इज़ यूज फॉर एवरीथिंग, ठीक है, आपने इसको दबाया वापस आ गया। अच्छा, अब आ जाते हैं इसके मोड, अब ऊपर आपको दिख रहा होगा 2 hours 50 minutes, ये वो टाइम दिखा रहेगा जितना ये मैक्सिमम रिकॉर्ड कर सकता है एट द करेंट सेटिंग। अभी मेरी क्या सेटिंग्स हुई है, 2.7K और 60 frames per second और 16:9 इसका जो है समझ लें वीडियो का रेशो होगा, ठीक है, और बाकी तो इसमें और ऐसी कोई ख़ास बात बताने की नहीं। अच्छा, नीचे टाइम आपको दिख रहा होगा क्योंकि मैंने अभी बैटरी निकाली थी तो टाइम रीसेट हो गया, ये टाइम और डेट जो है कि करंट जो है कि ये वो दिखाता है, तो इसको हम बाद में सेट कर लेंगे। अच्छा, नीचे जो है ये आपको टूल का आइकन दिख रहा है, इसको प्रेस करेंगे तो ये 2-3 बार प्रेस करना पड़ता है। अगेन एज आई सेड कोई बहुत अच्छी क्वालिटी नहीं है, टच इतना रिस्पॉन्सिव नहीं है, ठीक है, इसमें डिफरेंट आपको ऑप्शन मिल जाएंगे, इसको स्क्रॉल जो है आपको होल्ड करके करना पड़ेगा, रेजोल्यूशन है, लूप रिकॉर्डिंग, वाइड डायनामिक रेंज, एक्सपोजर, ऑडियो रिकॉर्ड करनी है नहीं करनी है, सब कुछ मतलब इसके अंदर आ जाएगा, डेट स्टैम्प भी शो करता है वंस यू एनेबल इट। अच्छा, EIS इज़ बेसिकली शेकिंग जो होती है कैमरे की, वो उसको जो है ये कंट्रोल करता है। मैं EIS अभी ये फ़िलहाल ऑन हुआ हुआ है तो ये अच्छी मतलब वो समझ लें कि कुछ हद तक शेक को जो है आपकी वीडियो में कंट्रोल करता है ये। अच्छा, बाकी डिफरेंट ऑप्शंस आपको दिख जाएंगे। अच्छा, देखें, मैं ऊपर इसको वो स्क्रॉल कर रहा था और बटन प्रेस हो गए, एज आई सेड इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं है, सही है, ये ड्राइविंग मोड पता नहीं क्यों घुस गया था। अच्छा, देन सेकंड ऑप्शन यहाँ पे सेटिंग्स का है, यहाँ पे डेट और टाइम आपकी सेट हो जाएगी, ऑटो पावर ऑफ वगैरह, स्क्रीन सेवर, बीप साउंड आपकी बंद करनी है, लैंग्वेज, तो ये सारे ऑप्शंस आपको इसमें दिख जाएंगे, ISO, इमेज इफेक्ट वगैरह वगैरह, ठीक है। अच्छा, डिस्टॉर्शन करेक्शन क्या आएगी आपकी,
आपने देखा होगा अक्सर जो छोटे कैमरास होते हैंगे उसके अंदर आपको फिश आई का व्यू दिख रहा होता है, ये उसको कंट्रोल करता है, तो मैं इसको यूजुअली ऑन पे रखता हूँ। अच्छा, एंगल पोर्ट्रेट पे भी जा सकता है और नाइट उस पर लैंडस्केप पे भी। अच्छा, इमेज रोटेशन क्या है, ये आपके पूरे कैमरा के व्यू को रोटेट कर देगा। तो इसको देखें, ऑन करूँगा ना, ये देखें उल्टा हो गया सब कुछ। ये फ़ायदेमंद है अगर आप अपने इसको कैमरे को यूँ इस तरह से सीधे लगाने के बजाय अगर आपने इसको उल्टी तरह से सेट किया है तो ये उस हिसाब से ये बिल्कुल आपको फिर ये सीधी चीज़ दिखेगी। मैं इसको ऑन रखता हूँ। या सेटिंग्स में गए, रेजोल्यूशन सही है, ये डिफरेंट रेजोल्यूशन ऑप्शंस हैं, 4K 30 FPS पे, ठीक है, 2.7K पे 30 FPS, 4:3 रेशो होगा। बेस्ट जो मुझे लगता है वो ये है 2.7K P60 16:9 रेशो पे। क्यों, इस पर 2.7K पे आपकी रिकॉर्डिंग हो रही होगी, FPS भी अच्छे होंगे वीडियो के, जो गेम्स वगैरह खेलते हैं उनको अच्छी तरह अंदाजा होगा FPS कितना मैटर करता है, तो वीडियो में भी ये चीज़ें मैटर कर रही होती हैं। अच्छा, 16:9 के रेशो में आपको ज़्यादा समझ लो कि प्रॉपर आपको व्यू नज़र आ जाएगा, अगर आप कंप्यूटर वगैरह पे इसकी सेटिंग बाद में करेंगे तो वो आराम से चीज़ें आपको दिख जाएंगी। ठीक है, डिफरेंट मोड्स हैं आपके सामने, सही है। तो खैर, अब आप आ जाएं वीडियो की क्वालिटी, वो आप देख चुके हैं मेरे उस पे चैनल पे किस तरह की होती है। आपका USB केबल जो है कि ये चार्जिंग भी इसी से होगी, और इन केस अगर आप इसके साथ माइक कनेक्ट करना चाहते हैं जो ये साथ में प्रोवाइड करते हैं तो ये उसके साथ ये भी कनेक्ट हो जाएगा, ये भी USB-C केबल है, ठीक है। अच्छा, और चार्जिंग वगैरह के लिए जो इनकी चार्जिंग की एक छोटी सी वायर देते हैं वो भी मेरे पास पड़ी हुई है, तो वो भी इसमें ही लग के ये चार्ज भी हो जाता है आराम से कैमरा, ठीक है। अब इसके साथ जो चीज़ें ये प्रोवाइड कर रहे हैं, एक तो ये वाला समझ लें इसका कवर है, ठीक है, ये आराम से इसके अंदर ऐसे फिट हो जाता है, ठीक है, ये पूरा इसके अंदर फिट हो जाएगा। नीचे से आपको ये स्लॉट्स मिल जाएंगे, आप इसको कैमरे को अटैच कर सकते हैं किसी भी चीज़ के साथ। मैं यही वाला यूज़ करता हूँ। मैं दूसरा, ये जो वाटरप्रूफ है इसके अंदर है तो अच्छी चीज़, लेकिन इसके अंदर दो तीन मसले हैं। एक तो ये कि ये जो इसका जो फ्रंट का जो कवर है ये फॉग हो जाता है, ठीक है, आपकी बारिश हो रही होगी या समझ लें कि थोड़ा सा गीला मौसम होगा तो ये फॉग हो जाएगा, वीडियो क्वालिटी बहुत बुरी हो जाती है उसकी वजह से। दूसरा, इसके क्योंकि ये पूरा का पूरा वाटरप्रूफ है तो इसके अंदर फिर आप कैमरे के साथ जो है माइक वगैरह अटैच नहीं कर सकेंगे, ठीक है। ये फीचर्स रहेंगे वो आपको इस वाले छोटे वाले में मिल जाएंगे, साइड से ये ओपन है तो यहाँ से आपको आराम से माइक भी कनेक्ट हो जाएगा, लेकिन उसमें ये चीज़ें नहीं मिलेंगी। अच्छा, सेकंड ये मैंने आपको बता दिया माइक इसके साथ प्रोवाइड कर रहे हैं। अच्छा, ये जो है दिस इज़ अ स्मॉल स्ट्रैप। अच्छा, ये जो इसके अंदर मैंने वाईफाई का ऑप्शन आपको दिखाया था कैमरे के अंदर, उसको आप ऑन करेंगे और फिर इसके साथ जो है इसको होल्ड करके कनेक्ट करना पड़ेगा आपको, तो ये मोबाइल के साथ जो है कनेक्ट हो जाएगा। ये ब्लूटूथ है बेसिकली, ठीक है, और आप इसके साथ जो है ऊपर वाला बटन, ये सेंटर वाला बटन दबाएंगे तो पिक्चर खींच लेगा आपका मोबाइल, और नीचे वाला वीडियो वाला बटन दबाएंगे तो वीडियो रिकॉर्ड कर लेगा, और ये इसका पावर बटन है। मैं इसको यूज़ नहीं करता, इट्स यूज़लेस फॉर मी, तो या एनीवेज। अच्छा, ये जो है ये है वो स्ट्रैप जो ये लोग प्रोवाइड कर रहे हैं इसके साथ। अब ये स्ट्रैप है तो दिखने में अच्छा है, सही है, इसके अंदर प्रॉपर्ली आपका कैमरा अटैच भी हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, लेकिन मसला ये है कि जब आप इसको हेलमेट के साथ अटैच करेंगे इस तरह से, ठीक है, इसका ये स्ट्रैप्स अंदर उसके साथ अटैच हो जाएंगे, लेकिन उसके बाद एक जो आपके सबसे बड़ा इशू आएगा वो आप मोबाइल कैमरे को जब कनेक्ट करेंगे ना, ये चीज़, तो इसका व्यूइंग, एक तो ये टाइट बहुत है, इसका व्यूइंग एंगल जो है ना वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है, ये ऊपर आसमान को कैप्चर करना शुरू कर देता है, नीचे जो आपका असल चीज़ कैप्चर करना चाह रहे हैं वो नहीं दिख पाती, ठीक है। तो ये मेरे लिए यूज़लेस है, मैं इसको यूज़ नहीं करता हूँ इसको, और दूसरा इसके ये थ्रेड्स भी जो हैंगे बहुत टाइट थे, कोई बस इससे ज़्यादा ये मज़ीद जा ही नहीं रहा है, ठीक है, बस ये फुल अंदर तक जाता नहीं, ये ख़राब है। इन्होंने जो साथ में इसके एक और ये चीज़ दी थी ये तो इसके साथ अटैच हो ही नहीं सकती, सही है, क्योंकि ये फिक्स्ड है, ठीक है, ये फिक्स्ड है, अगेन ये हिंज कर है, ये इसके साथ अटैच होता नहीं है, ये टूट भी गया था
क्यों? क्योंकि हल्की क्वालिटी है, ठीक है। मैं क्या यूज़ करता हूँ अब मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने परचेज़ किया था टेलीसिन का ये चेन स्ट्रैप, सही है। क्वालिटी आप देख सकते हैं इसकी, अच्छी है, सही है, स्ट्रॉन्ग है। ये आपने इसको अटैच कर दिया, सही है, ये कहीं नहीं जाएगा, इट्स फिक्स्ड, सही है। ग्रेविटी है, ऐसी बात है, वो उसको मज़ीद नीचे नहीं लेकर जा सकते, उल्टा लगाता तो वो नीचे आ सकता। ठीक है जी, ये आपका अटैच हो गया। ओके, वाह, ये तो अटैच होते होते यही निकल गए। खैर, एनीवेज़, जो मैं आपको बात बताना चाह रहा हूँ उस पर फोकस करें। वाह, नुकसान हो गया बैठे बैठे। अच्छा, तो ये इस तरह से जब अटैच होगा तो व्यूइंग एंगल जो है आपका प्रॉपर आएगा। आई थिंक दैट कवर्स इट ऑल। बाकी जो भी है इश्यूज़ वो आपके सामने हैं इसमें, क्वालिटी आपके सामने है, सही है, कितने हल्की क्वालिटी की ये चीज़ें होती हैं। तो बस गुजारा है, 20,000 में इट्स नॉट अ बैड डील, सही है। आपका व्लॉग हो जाएगा, बन जाएगी वीडियोस वगैरह, लेकिन या दिस इज़ इट। थैंक यू।